हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। और मैं पी रही हूँ चाय और बाहर का ले रही हूँ नज़ारा बालकनी में बैठ करके। और इधर सूर्य भगवान ने भी मुझे दर्शन दे दिए हैं। मैं सुबह उठ करके सूर्य भगवान का दर्शन करती हूँ और अपने चारों तरफ की ग्रीनरी को देखती हूँ। इससे आँखों में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। मैं सुबह सुबह फ़ोन को टच बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो बस मैंने सावर ले लिया, मैं छत पे गई, बासी बची हुई रोटियां थी, पक्षियों को डाला और बंदरों को डाला और मैं आ गई नीचे। तो कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे जो कि पार्थ को दूध वगैरह दिया था, मैंने भी चाय पी थी पूजा करने के बाद, तो वही बर्तन थे। मैंने कहा धुल लेते हैं। और ये सोचते जा रहे थे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, क्योंकि पार्थ का कहना था मम्मा कुछ भी ऑयली नहीं मत बनाना, एकदम ऑयल फ्री बनाइए। तो मैंने कहा चलो कुछ ट्राई करते हैं। तो ये सभी सॉस है, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस और वेनेगर और कॉर्नफ्लोर। तो फिर मैंने कहा कुछ ट्राई करते हैं। फ्रिज में देखा काफ़ी सारी सब्जियां पड़ी थी, काफ़ी हैं, तो मैंने कहा चलो इसी से कुछ बनाते हैं। तो मैंने फटाफट से गाजर चॉप की, शिमला मिर्च को चॉप किया। और फ्रेंड आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरा चैनल देखा करिए, मेरे वीडियो देखिए। और जिस दिन आप मेरा वीडियो देखने लगेंगे, मेरे वीडियो पर 5,000 सब्सक्राइबर हो गए और मेरे व्यूज़ भी 5 से 6,000 आने लगे, तो मैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूं, कि मेरी लाइफ बहुत ही सस्पेंस पूर्ण है। लेकिन ऐसे किसी को अपनी लाइफ के बारे में बताना कोई मायने नहीं रखता है। जब मेरी 5,000 की कम से कम फैमिली हो जाए, मेरे व्यूज़ भी 5 से 6,000 आने लगे, तब तो अपनी लाइफ को किसी से शेयर करने का कोई मतलब निकलता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मैं देखिए, किसी के सामने रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए क्या फ़ायदा रोने से। लेकिन फिर भी आप लोगों मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो अच्छी बात होगी मेरे लिए, और नहीं तो जो ज़िंदगी चल रही है वो तो चल ही रही है, क्या कर सकते हैं। जो भगवान को मंजूर होता है वही तो हमको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो ये देखिए सभी सॉस डाल करके ग्रेवी तैयार हो गई। कॉर्नफ्लोर भी मैंने डाल दिया है और इसमें डाला लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद देखिए मैक्रोनी मैं बना रही हूँ। सस्पेंस में था ना कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, क्योंकि मैक्रोनी में ज़्यादा ऑयल तो यूज़ नहीं होता है। तो और उसके बाद मैंने इसमें मेयोनीज भी ऐड कर दिया। बहुत आज मैंने कहा कुछ अलग तरीके से ही बना ली जाए मैक्रोनी। फिलहाल आप भी हो सकता है इसी तरीके से बनाते होंगे, लेकिन मैंने आज इस तरीके से पहली बार बनाई है सारे सॉस वगैरह डाल करके। तो ये देखिए ग्रीन प्याज से मैंने गार्निशिंग कर दी हरा धनिया के साथ, और ऊपर से कुछ टमाटर फिर ऐड कर दिए, और उसके बाद मैंने चला लिया। और इधर मैंने प्लेटिंग भी कर लिए, ब्रेकफास्ट में करने जा रही हूँ। ये है लिमका, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया, ठंडा तो बनता है ना। तो मुंह में किसके किसके पानी आया ज़रूर कमेंट करिए। तो प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट दीजिए। और चलिए कर लेते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट, और आप भी आ जाइए फटाफट।